ये नहीं समझ में आता कि ऐसे बच्चे लोग गलतियाँ क्यों करते हैं। आज के डेट में पहले जैसी गरीबी नहीं रह गई, आज के डेट में सब लोग कमा रहे हैं, सब लोग पैसा आ रहा है, आमदनी आ रहा है, काफ़ी गरीबी हट चुका है। लेकिन पहला माँ बाप का बहुत ज़्यादा सेवा होता था, मान सम्मान किया जाता था, उनका पैर छुआ जाता था, उनको जो भी कमी रहती थी उनको पूरी कमियाँ को दूर किया जाता था। लेकिन अक्सर आज मैं इस गाँव में या शहर में कहीं पे भी जाता हूँ तो उस घर के अंदर जो तकलीफ़ में माँ बाप रहते हैं उनको बच्चे लोग पूरा सेटिस्फाई नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, आप जो गलतियाँ कर रहे हो उसे गलती को सुधारें और जैसा भी हो माँ बाप का सेवा करें, क्योंकि आज के डेट में माँ बाप के सिवा कोई आज के डेट में ज़िंदगी में किसी का नहीं है। वही एक व्यक्ति है जो आपका सहायता कर सकता है और मैं इसी के ऊपर एक स्टोरी में बताने जा रहा हूँ जिससे आपको बहुत इससे मालूम पड़ेगा कि हमारे माँ बाप क्या होते हैं। अक्सर आप लोग को भी ये मालूम रहेगा कि सबसे बड़े भगवान से भी बड़ा हमारे माँ बाप होते हैं। माँ बाप भगवान से भी बड़ा हमारे माँ बाप होते हैं, लेकिन उस चीज़ को तो सब ध्यान रखते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी गलतियाँ वो लोग करते हैं जानकारी रहने के बावजूद भी। तो मैं एक आज स्टोरी बता रहा हूँ जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि क्या कष्ट होता है। तो दोस्तों, मैं एक हॉस्पिटल में जाता हूँ, वहाँ काफ़ी सारे पेशेंट सोए हुए रहते हैं, तो उसमें अलग अलग एक कैटेगरी बनाया हुआ रहता है, जिसके कैटेगरी में कुछ यहाँ पे कुछ अलग बीमारी रहते हैं, यहाँ पे कुछ अलग बीमारी रहते हैं, वहाँ पे कुछ उम्र वाले ज़्यादा रहते हैं, यहाँ उम्र वाले कम रहते हैं। तो मैं वहाँ पे जाके बहुत सारे चीज़ें मैंने देखा और सोचा। तो मैं देखा जहाँ पे एजेंट लड़का लड़कियाँ हैं वहाँ पे पूरी फैमिली उनके साथ पड़ी हुई है, लेकिन जो थोड़ा सा बुजुर्ग इंसान या थोड़ा उम्र वाले रहते हैं तो उनको उस टाइम पे सहायता हमें करना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे वो तड़पते रहते हैं, पर उनके पास न कोई उनके परिवार के जल्दी सदस्य जाते हैं न कोई जाते हैं। मैं उस हॉस्पिटल में जाने के बाद मुझे जहाँ पे 40 साल के एज वाले के ऊपर वहाँ पे बहुत ही अक्सर कम फैमिली मुझे देखने को मिला, बहुत ही कम, कम से कम 100 में से मुझे 10% आदमी दिखे, बाकी वैसे बेड पे सोए हैं और 85% वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है, ना देखभाल नहीं करते, वो तड़पते रहते हैं, और नर्स लोग भी हैं जो कि इतना ज़्यादा नहीं देखभाल पर कर पाते हैं, जबकि वहाँ पे कई सारे पेशेंट सोए रहते हैं, उनको संभालना पड़ता है। इसलिए हर आप जब दवाखाने में जाएंगे तो वहाँ पे हर डॉक्टर लोग बोलते हैं कि एक पेशेंट के साथ एक आदमी कंपलसरी रहना ज़रूरी है, लेकिन वहाँ रहते नहीं है। तो उस मैं वहाँ पे बहुत सारा मैंने अपना दिमाग लगा के मैंने देखा वहाँ पे, तो उस हॉस्पिटल के अंदर तो जहाँ पे उम्र वाले रहते हैं वहाँ पे तो ऐसा नाक बंद करके जाते हैं, बहुत लोग को तो मैंने अक्सर देखा हूँ वहाँ पे, खुद के माँ बाप रह गए वहाँ, जो कोख से पैदा किए, बड़ा किए, पाल पोस के सब चीज़ यहाँ पे, घर पे दिया जलाए यहाँ पे, कि हमें उम्र इतना बड़ा हो गया है, हमें कोई चीज़ की कमी नहीं है, आज वो बेड पे सोया है तो मैं ऐसा करके नाक बंद करके जाता हूँ, तो वो इंसान इंसानियत नहीं कहलाता है। उनका भी दिन आएगा, एक ना एक दिन समय आता है और उनको भी ऐसा इस समय का उनको भारी पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए आप लोग अगर आप पहले से नॉलेज लेके रखेंगे तो ऐसी गलतियाँ नहीं होएगी आपसे।